मैं डॉक्टर शोभा पांडे, उपाचार्य विभागाध्यक्ष, संस्कृत विभाग, महिला कॉलेज डालमिया नगर। आज मैं स्नातक खंड एक संस्कृत प्रतिष्ठा के द्वितीय पत्र से संस्कृत व्याकरण में कारक पर चर्चा प्रस्तुत करूंगी। कारक प्रकरण पर चर्चा प्रस्तुत करने के पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि संस्कृत व्याकरण है क्या। तो किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, बोलने और पढ़ने के लिए उस भाषा का व्याकरण जानना अत्यंत जरूरी है। अतः व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें भाषा को शुद्ध या सही करने वाले नियम बताए गए हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि किसी भाषा के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण तथा विवेचन व्याकरण कहलाता है। व्याकरण किसी भाषा को अपने आदेश से नहीं चलाता, बल्कि भाषा की स्थिति प्रवृत्ति प्रकट करता है। जैसे चलता है एक क्रियापद है और व्याकरण पढ़े बिना ही सब लोग इसे इसी तरह बोलते हैं और इसका सही अर्थ समझ भी लेते हैं, परंतु व्याकरण इस पद का विश्लेषण कर बताएगा कि इसमें दो अवयव हैं, चलता और है। व्याकरण का दूसरा नाम शब्दानुशासन भी है। वह शब्द संबंधी अनुशासन करता है और बताता है कि किसी शब्द का प्रयोग किस तरह करना चाहिए। वैसे तो संस्कृत व्याकरण का प्रत्येक अध्याय जैसे वर्ण, वचन, लिंग, पुरुष, प्रत्यय, संधि तथा समास इत्यादि महत्वपूर्ण है, परंतु कारक का महत्व इस बात से स्पष्ट है कि इसे संस्कृत व्याकरण का मेरुदंड कहा जाता है। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए मैं कारक प्रकरण को 8 भागों में विभक्त कर कारक प्रकरण पर अपनी चर्चा प्रस्तुत करूंगी। कारक का अर्थ है किसी कार्य को करने वाला, यानी जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। वैसे तो कारक के 8 भेद बताए गए हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन, परंतु संस्कृत में सिर्फ 6 कारक ही माने गए हैं। संबंध और संबोधन को कारक नहीं कहा गया है। कारक प्रकाश भाग 1 कारक प्रकरण संस्कृत व्याकरण का मेरुदंड है। वाक्य रचना में कारक का महत्व सर्वाधिक है। क्रिया का साधक या संपादक कारक कहलाता है। करोति निवर्त्यति निवर्त्यति क्रियाम इति कारकम, जो कर्ता, कर्म, करण आदि कारक जिस क्रिया से संबद्ध होता है वह उस क्रिया का कर्ता या जनक होता है। इस तरह कर्ता पद का क्रिया के साथ सीधा अन्वय अथवा संबंध प्रक्रिया ही कारक है। क्रिया अन्वयित्वम कारकम, क्रिया जनकत्वम कारकम। कारक के बिना क्रिया का निर्वाह हो ही नहीं सकता, अतः वाक्य रचना में क्रिया के निर्वाहक या संपादक को हम कारक कहते हैं। जब भी कारक की चर्चा हम प्रस्तुत करेंगे तो उसके साथ विभक्तियों की भी चर्चा आवश्यक है, क्योंकि उपपद विभक्ति जो कारक से जुड़ी हुई है उसके बिना कारक का अस्तित्व है ही नहीं। विभक्ति कहते किसे हैं यह जान लें। विभक्ति कारक की विशेष अवस्था को तथा उसकी संख्या को बताने वाली सत्ता विभक्ति कहलाती है। कारक की तरह विभक्तियां भी 6 हैं। कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है, करण में तृतीय विभक्ति लगती है, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी और अधिकरण में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। मैं यहाँ एक वाक्य ऐसा बताना चाहती हूँ जिसमें 6 कारकों और उनकी विभक्तियों का समन्वय एक साथ देखा जा सकता है। पुण्य क्षेत्रे पुण्यात्मा,
स्वहस्ताभ्यां बुभुक्षितेभ्यो पाकालयात् भोजनं ददाति। अब इसका मैं विभक्ति और कौन सा कारक लगा हुआ है मैं बताती हूँ। कह ददाति, पुण्यात्मा ददाति, यहाँ पर कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है और प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। किम ददाति, भोजनम ददाति, अर्थात यहाँ पर कर्म कारक लगा हुआ है और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। काभ्याम ददाति, स्वहस्ताभ्याम ददाति, यहाँ करण कारक का प्रयोग हुआ है और तृतीय विभक्ति लगी हुई है। केभ्य ददाति, उभिक्षितेभ्य ददाति, अर्थात यहाँ पर संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। कस्मात् ददाति, पाकालयात् ददाति, अर्थात यहाँ पर अपादान कारक लगा हुआ है और पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कुत्र ददाति, पुण्य क्षेत्र ददाति, यहाँ पर अधिकरण कारक लगा हुआ है और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं होने के कारण संबंध और संबोधन कारक को कारक नहीं कहा जाता, लेकिन इसमें विभक्तियां लगती हैं। जैसे श्यामस्य पिता स्नाति, यहाँ पर स्नाति क्रिया जो है सो पिता से संबंधित है, श्याम से नहीं, लेकिन श्याम और पिता का संबंध है, अर्थात पिता पुत्र का संबंध यहाँ पर है, इसलिए श्याम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी तरह संबोधन का एक वाक्य है, हे पिता त्वम रक्ष माम, यहाँ भी रक्ष क्रिया पद का पिता संबोधन पद से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसका सर्वनाम पद त्वम से संबंध है। अतः संबंध और संबोधन का न तो क्रिया से कोई संबंध है और ना ही ये क्रिया के जनक है। फिर भी कारक न होने पर भी संबंध में षष्ठी विभक्ति और संबोधन में प्रथमा विभक्ति का उपयोग होता है। इस तरह अंत में एक बात फिर मैं कारक के प्रकार का को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पहला है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक और छठा है अधिकरण कारक। इसे एक श्लोक भी दिया जा सकता है, कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरण इत्याहु कारकानि षट्। मैं अगले सत्र में अगला भाग प्रस्तुत करूंगी। धन्यवाद।